न्यूज नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। तेजस्वी यादव नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लालू प्रसाद यादव के बेटे जो बिहार विधानसभा के राघोपुर से विधायक हैं। तेजस्वी का जन्म 8 नवंबर 1989 को पटना में हुआ था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार के वरिष्ठ राजनेता हैं। इसके अलावा उनकी माँ राबड़ी देवी भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बात करें उनकी पढ़ाई की तो तेजस्वी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जी हाँ, 2015 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी सिर्फ 10वीं तक ही पढ़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव किसी नौकरी के लिए आवेदन देते तो उनका बायोडाटा शायद वजनदार नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की है, लेकिन वे बोलने में सबसे आगे रहे हैं। तभी तो वे सबसे कम उम्र में बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात, वे राजनीति में आने से पहले एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं और उनका सपना भारत के लिए सफल क्रिकेटर बनने का था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और आज तेजस्वी बिहार के स्टार पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तेजस्वी घरेलू क्रिकेट में झारखंड टीम की ओर से खेला करते थे। उन्होंने साल 2009 में झारखंड की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू करके अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद तेजस्वी भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। साल 2008 में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में तेजस्वी भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा तेजस्वी आईपीएल भी खेल चुके हैं और आईपीएल में वे दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो एक भी मैच नहीं खेल पाए। तेजस्वी 4 सीजन तक दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में रहे। वे स्पिन के साथ साथ सीम बॉलिंग भी कर सकते थे और निचले क्रम में बैटिंग भी कर सकते थे। इस प्रकार वे एक ऑलराउंडर रहे, लेकिन कभी भी दिल्ली की आईपीएल टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में तेजस्वी ने बताया कि वे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के भी कप्तान रह चुके हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि में आने के कारण उनका जो झुकाव है वो राजनीति की ओर हुआ था। और 2014 के आसपास अपने पिता के नेतृत्व में ही उन्होंने पार्टी के कार्यभार को संभालने की शुरुआत कर दी। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में परिवर्तन देने के साथ साथ तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव की विरासत को आगे ले जाने की है, जिसमें उनका साथ उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दे रहे हैं। 20 नवंबर 2015 को जेडीयू गठबंधन वाली सरकार में वे उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा गठबंधन तोड़ने की स्थिति में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तेजस्वी ने वैशाली जिले की राघोपुर सीट से पर्चा भरा है। एक और दिलचस्प बात, नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए एफिडेविट के अनुसार वे 9वीं पास है। तेजस्वी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से वायदा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं दूसरी सरकार यानी विपक्ष पार्टी जो है उनके इस वायदे को चुनावी प्रचार बता रही है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जीतन राम मांझी सहित एनडीए के कई नेता यह सवाल उठा चुके हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी कहां से आएंगी और इसके लिए तेजस्वी पैसा कहां से लाएंगे। हालांकि इन्हीं का करारा जवाब देते हुए तेजस्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 10 लाख नौकरी के वायदे पर उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है कि मौजूदा समय में 4.5 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। इसके अलावा चिकित्सा और पुलिस विभाग में भी पद खाली हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी बजट का 80,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद भी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसे कम पड़े तो मुख्यमंत्री, मंत्री समेत सभी विधायकों की सैलरी में कटौती की जाएगी। हमने वादा किया है, नवरात्रि में संकल्प उठाया है कलश की स्थापना करते वक्त कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कलम, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। तो आप लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव का कहना है कि बेरोजगारी रेट बिहार का 46.68 है। बिहार में पैसा खर्च नहीं होता है, इसलिए बिहार पिछड़ा है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा के नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव का कितना करिश्मा दिखाई देता है।